ऐसे रहा नहीं होता यार कि तुम भी गई हो आधी में जाओ, तुम भी आधी करके आ जाओ। तुम्हारा क्या बिगाड़ है? शादी करके नहीं आया, दुल्हन भी लेकर आया हूँ। अंदर कोई जाने की जरूरत नहीं है करिश्मा, आधी रात के यहाँ पे तमाशा मत लगाओ, समझ आइए? अंदर नहीं जाओ, दूध लेके आओ। माँ बैठी है तुम्हारी अंदर, कौन है आज जो मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ रश्मा के साथ, बहुत ही बैंगर प्रैंक होने लगा है। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। खैर, टाइटल और थंबनेल देखे आप लोगों को प्रैंक का पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं कौन सा प्रैंक करने जा रहा हूँ रश्मा के साथ। और मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके रिएक्शंस का आइडिया है कि उसके रिएक्शंस बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। मैं आज जानबूझ के शाम से थोड़ा लेट घर आया हूँ ताकि उसको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि मैं कहीं गया हुआ था, और अभी भी मैं आया हूँ तो शी इज नॉट एट होम। और मुझे टाइम मिल गया है ताकि मैं अपनी सेटिंग वेटिंग कर लूँ, अपनी सारी चीज़ें सेट कर लूँ, और बहुत सी चीज़ें जो व्लॉग में आप लोग देखोगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहना और एंड तक बने रहना, और लाइक और कमेंट लाजमी करके जाना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी मैं जाता हूँ, मुझे तैयार होना है कुछ चीज़ों के लिए, मुझे तैयार होना है। तो मैं तैयार होता हूँ और उसके बाद वापस से मिलते हैं आपको। तो गाइस, आपका भाई रेडी हो चुका है और प्रैंक के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस सिर्फ दो चीज़ों की कमी है, वो चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। और तो गाइस, वी आर रेडी। कैसा लग रहा है आपका भाई? निकाह करने जा रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यूज देना। बाल नहीं बनाए लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था। एक और चीज़ जो आप लोगों को माइट भी पसंद आए इतने टाइम में यही हार ला सका मैं भाई, भाग के और जल्दी से एक मजबूरी की नियत के अंदर मैंने निकाह कर लिया तो क्या होगा? मेरा दिल नहीं है या मैं माला नहीं पहन सकता? मैंने माला पहन ली, प्रिंस कोट भी पहन लिया। कैसे लग रहा है आपका भाई? कोई बात नहीं, मेरी बेगम आने दो, वो आगे मेरी सारी हालत बिगाड़ देगी। ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं करवाता और प्रैंक को स्टार्ट कर देती, क्योंकि मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि यार वो कब नीचे आए और कब मैं प्रैंक को स्टार्ट करूँ। तो खैर, तब तक जाके अपनी सिचुएशन को सेट करते हैं। और एक और चीज आप लोगों को गाइस दिखाता हूं, मैं कमरे में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई दिखा? उस कौन है और उसका फेस ना मैं रिवील करूंगा और ना मैं अभी बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, बस मेरी माला अच्छी लग रही है। Well, अब उसके आने का इंतजार करते हैं, बस उम्मीद है कि वो आ जाए। कैमरा तो मैंने सेट कर दिया है बस, लेकिन अब पता नहीं, उसे मैंने मैसेज भी ऐसे कर तो दिया है कि आज या पता नहीं वो कब आती है। तो कोई बात नहीं, हम बैठ के इंतजार करते हैं। मुझे तो सच में फीलिंग आ रही है, मेरा दिल गया, पेपर और पेन आ जाए तो मार ही दे आपका भाई साइन आपका। अब आती है तो प्रैंक को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तुम ठीक हो? मैं तो ऊपर थी कि क्या नहीं आता मुझे कि मैं सरप्राइज पे सरप्राइज क्यों मिल रहे हैं सुबह के, ना मेरा फोन उठा रहे हो, ना कुछ और अब करेंगे तो ये क्या बन के बैठे हुए हो? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? कैसा लग रहा है? अनूठ लग रहा, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। पागल क्यों? बंदा ना आता है तो साथ को मिठाई वगैरह ले आता है, बंदा दूल्हे का मुंह भी मीठा करवाना होता है। मेरी शादी का
60 साल हो चुके हैं, तुम अब दुल्हन ही रहे, दुल्हन ही खत्म। तुम्हें मजाक लग रहा है रिश्मा ये? क्या मतलब? तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें मजाक लग रहा है? ये काली सलवार कमीज के ऊपर तुम ये प्रिंस कोट वहां पहन के बैठ गए, किस खुशी में तुम प्रिंस कोट पहन के बैठ गए? किसी की शादी पे जा रहे हो? मैं किसी की शादी पे नहीं जा रहा, मैं किसी की शादी से आ रहा हूँ। किसकी? और तुमने माला के पहन ली है? दूल्हा दुल्हन की। अबे साले, मैं किसी की ही शादी पर गया था रिश्मा, तो मुझे कहने लगी। लेकिन वहां पे वो दूल्हा आया ही नहीं। हाँ जी, मैं तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि शायद मजाक चल रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं चल रहा। इसको तो उतारो, इतने पागल लग रहे हो, इसको तो उतारो। मैं अभी ताजा ताजा निकाह कर कर आया हूँ रिश्मा। किसका? तुम मौलवी कब से बन गए? मैं मौलवी नहीं बना, मैं मौलवी नहीं बना, वहाँ पे मैं गया, मैं तुम्हें वही तो सारी स्टोरी समझा रहा हूँ। रिश्मा, यू ट्रस्ट मी ना? नहीं, मुझे लगता तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मुझे पागलपन के? बात तो सही है। रनी क्या बने हुए हो तुम, बहुत फनी लग रहे हो, उसको उतारो तुम्हें पित निकल आएगी। तुम इतना मोटा पहन के बैठे, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी दुल्हन है प्रिकली लिप पाउडर लगाने के लिए, वो मेरी पित के ऊपर प्रिकली लिप पाउडर लगा देगी। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा रिश्मा। मैं तुम्हें मुझे बुलाया था, ठीक है? मैं गया, मेरी फ्रेंड की शादी थी, वो आया ही नहीं। उसने मुझे बोला कि तुम मेरी जगह बैठ जाओ, तुम कवर कर लो और उतनी देर में मैं आ जाऊंगा। तो उल्टा वहां पे और कोर्ट मैरिज कर रहे हो? उल्टा मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि उसने मुझे बोला उसने बोला कि तुम वहां बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं आ रहा हूँ, मैं कवर कर लूंगा। वो आया ही नहीं, इतना लेट हो गया। उनको नहीं पता कि दूल्हा कौन है, तुम क्यों बैठ रहे हो? वो तो फिर बाद में जब पता चला ना, तो वो तो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छा दूल्हा मिल गया। पिछले से पिछला तो वैसे ही ऐसे लगता था, साइकिल में पंचर लगाता है। उन्होंने कहा चलो ये थोड़ा सा तो अच्छा। मैं तो बकवास नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये सीरियस स्टोरी बता रहा हूँ। ये स्टोरी एक जोक लग रही है, लेकिन ये है नहीं है रिश्मा। मैं वहां पे क्यों, वो बेचारी लड़की वहां पे रोने लग गई, वो खिसक खिसक के रोने लग गई। हो गया मजाक, मुझे नहीं ये बड़ी बकवास फेंकिंग है ना, ये प्रैंक कर रहे हो ना, तो ये घटिया प्रैंक्स में सब करो, तो पागल को पागल लग रहे हो। मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ पे इतना सज के आके बैठा हूँ? मुझे तो तुम पागल ही लग रहे हो, इससे तो मैं कह रही हूँ पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते। ये देख लो ये मेरा ये देख लो, ये मैंने कल चलते हैं डॉक्टर लगी है, ये देख लो। मैं वहाँ पे अंगूठा भी लगा के निकालना, मेरे पे मैं लाया नहीं अभी फोटो, अजीब। मैं रिश्मा तुम्हें सीरियस एक टॉपिक के ऊपर एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ? फालतू के अंदर हर चीज को मजाक में मत लिया करो, उंगली नीचे करके बात करो। पहले तो अपनी वॉइस रेस मत करो, क्योंकि मैं करूंगा। और अगर ये प्रैंक है तो इस तरह के प्रैंक्स मेरे साथ मत करना। उंगली नीचे, ये प्रैंक है तो खत्म करो इस प्रैंक को। उंगली नीचे करो इसको, उंगली नीचे करो, समझ आई? मैं अब तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं रहेगा, ना मुझे अपनी बदमाशी दिखाना, समझ आइए? तो क्या मैं कौन सी बदमाशी दिखा रही? तुम ये क्या कर रहे हो पागल बन के जो बैठे हुए हो? तुम पागल बन के नहीं बैठा हुआ, मैं अभी ताजा निकाह करवा कर आया हूँ। किससे निकाह करवा लिया? हुजूर में झूठ बोली जा रहा है? सुमैया से, सुमैया से। सुमैया, तुम्हें वही बता रहा, मैं शादी के ऊपर गया, वहाँ पे वो लड़का नहीं आया, वो दोस्त की जगह मुझे कवर करने में, जब उनको पता चला कि भाई लड़का नहीं आया, तो उन्होंने लग गई, फिर तुम्हें पता है मेरा दिल कितना नाजुक है, मैं किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। फिर मैंने उसको कंधा ऑफर कर दिया, कंधा ऑफर करते करते उन्होंने मुझे हार पहना दिया, प्रिंस कोट पहना दिया, मुझे कहते निकाह कर लो। फिर मैं लड़की बेचारी को देख नहीं सका, उसका बाप मुझे देख के नम आंखों के साथ मुझे रो रहा था, मैं उसकी नम आंखों को इनकार नहीं कर सका। तो तुम्हारी अपनी शादी का है, जो हम तुमने अपनी शादी, तो ये मैंने मंगवाया, ये मैंने मंगवाया, ये फिर घर से मंगवाया, मैं ऐसी तो अपीयरेंस नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तुम पूछ लेना कजन से पूछ लेना। मैंने उसके दोपहर को फोन किया था, उसने मुझे ये वहाँ पे बाइक क्या करवाया, समझ आइए? इसी वजह से मैं लेट हुआ आज। तो मेरा फोन, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो तुम्हारा फोन क्यों उठाता वहाँ पे? मैं शादी में बिजी था, तुम्हारा फोन क्यों उठाता? मैं अपनी दूसरी दुल्हन देख रहा था, अब फिर तुम्हारा फोन उठाता रहूंगा क्या सारी जिंदगी? ओह नो, अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं यकीन आ रहा। तुम्हें नहीं यकीन आ रहा? नहीं, ठीक है, मत करो यकीन। अभी मैं वैसे भी तुम्हें सिर्फ खाली बताने के लिए घर आया था, क्योंकि आज ही हम लोगों ने यहाँ पे स्टे करना है, फिर हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ ये लड़ रहा हूँ ना, तुम भी अपना इतना ये मुंह खोल रही हो, तो मैं अभी यहाँ पे आज ही रात स्टे करूंगा और मैं कल चला जाऊंगा, मैं उसको लेके हम लोग किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, ये सिर्फ आज रात के लिए। आपके पेरेंट्स को पता क्या बात है कि बहन की बातें कर रहे हो मेरे साथ? उनको मैं संभालूंगा, मेरे पेरेंट्स है, आई टेक केयर ऑफ देम। You take care of yourself, बाकी तुम यहाँ पे रहो, तुम्हें किसी चीज से रोक टोक नहीं है, तुम रहो भाई। मुझे तो इवन ने बोला गया था, मुझे तो इवन के मेरी नई दुल्हन सुमैया ने बोला भी था कि इसको बालों से पकड़ के इसकी कमर के नुकसान नहीं मार के इसको घर से बाहर निकालो, लेकिन मैंने कहा नहीं,
किस लिए? मुझे गुस्सा आ रहा है। आज से मारो मत, आज से मारो मत, आज से मारो मत, वो काटने रो ना, सही घटिया मजाक मत करो। गुड नहीं है यार, मेरा नॉट फीलिंग वेल ऑलरेडी। हां तो रेस्ट ही करना है तुमने कल से, करते रहना रेस्ट। मैंने ये सारी चीजें सोच के और ये सारी चीजें समझ कर ही ये मैंने फैसला लिया। मैं उस टाइम, मैं जिस टाइम उसकी बाप की नम आंखें मुझे देख रही थी, उस लड़की के गिरते आंसू, मैं मेरा दिल गुलगप्पे की तरह से जैसे फट नहीं जाता, मेरा दिल फट गया था ऐसे। तमाशे लगा रही है ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि एटलीस्ट घर में कोई मेहमान आया हुआ, उसको तुम दो कप चाय बना के पिला दो। कौन आया? अभी तुम उठो, अभी तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना, अभी तुम्हें बिल्कुल यकीन आएगा। अभी जब तुम सुमैया से मिलोगी ना, तुम्हें बिल्कुल यकीन आएगा, वो इधर ही है। सुमैया कहाँ से आ गई? कामिल रूम में बैठी है, उसके बारे में कुछ मत कहना। कौन है रूम में? जो भी है, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाके चुप करके दो कप चाय, दो कप चाय और बिस्कुट लेकर आओ। कौन सा बिस्किट लेके आओ? खोपरे वाला, जो भी घर में पड़ा हुआ है वो बिस्किट लेकर आओ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है ना। अभी जब चाय बनाओ मजेदार सी, वो पानी वाला पड़कोला बना देना, चाय बनाना दूध पत्ती, समझाइए। मेरी नई दुल्हन को दूध पत्ती पीने की आदत है, दूध पत्ती बनाओ और उसके बाद मेरे लिए भी, फिर रात को जो एक अच्छी बीवी करती है मेरे लिए रात को गर्म। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अगर ये वाकई सब कुछ सच है तो मुझे बताओ। तुम हो? मैं नहीं हूँ। तुम हो? नहीं, मैं छोड़ रही हूँ तुम्हें। क्यों छोड़ रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं है कि तुमने ऐसा? तुम छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया था? कैसा क्यों किया? ये जो कर रहे हो तुम, क्या तुमने अच्छा किया मेरे साथ? अगर वाकई क्या कर दिया तुम्हारे साथ? चाय बनाओ, सुनाई दे रहा है? दो कप चाय, साथ बिस्किट खोपरे वाले। हाथ हटाओ, तमीज से बात करो मेरे साथ। हाथ क्यों लगा? थोड़ी देर बाद अंदर ले आना। क्यों हो रहा है? थोड़ी देर बाद अंदर ले आना, मैंने तुम्हें बता दिया। जहर ना डाल, मैं आज तुम्हें तुम्हारे दायरे में रखूंगा। कौन सा दायरे में रखोगे? मैं तुम्हें अब तुम्हारे दायरे में रखूंगा, समझ आए? मुझे रखना आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब सुमैया भी है। खाली मैं तुम्हारी मार खाने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे पास सुमैया है, सुमैया विल टेक केयर ऑफ मी। आज के लिए बस तुम इतना कर दो कि अभी तुम दो कप चाय और साथ बिस्किट अंदर भिजवा दो खोपरे वाले। और दूसरा, रात को मुझे गर्म दूध का ग्लास, साथ में खजूरें अंदर पहुंच जानी चाहिए। किसी को इस तरह हर्ट करते हैं? क्यों मार रही हो तुम मुझे? किसी को ऐसे हर्ट करते हैं? क्या हर्ट किया मैंने तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा हर्ट दे तो रहा हूं। तुम नहीं रहोगी इस घर में। तुम लड़की कैसे रिएक्ट करेगी जब उसका शोहर आके उसको बोलेगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है? क्या वो यहाँ पे चैपिंग करेगी या तुम्हारे चरणों को छुएगी आके? नहीं, मुझे बताओ तुम। मेरे चरण ना छुओ, तुम पतीली छुओ और उसके अंदर पानी डाल के दो कप चाय बनाओ। चरण छुए ना लो तुम। मुझे आधा कर लो, आधा कर लो, आधा आधा रख लो। सवालों का जवाब चाहिए। क्या ये बात सच है? तुमने वाकई दूसरी शादी कर ली? ठीक है, पागल हो गई यहाँ पे फैमिली में बैठे हो? ठीक है, ठीक है, जब गजब तू भी आ जाती। कौन सुमैया कहाँ से आ गई है? तुम्हें नहीं यकीन? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बात यकीन की नहीं, बात यकीन की नहीं है। मैं बुलाऊंगा यार, वह क्यों आएगी? अभी मैंने उसका घूंघट भी नहीं उठाया, मैंने मुंह दिखाई भी नहीं दिया। मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक कर रही हो ना? हाँ छोड़ दो, हाँ छोड़, मैं सेठ के तो मजाक, हाँ छोड़, मैं किसी का हूँ, मैं किसी का हूँ आज की रात को, एटलीस्ट मैं किसी का। तुम कितने बेशरम आदमी हो। क्यों, मैंने क्या किया? मुझे शर्म नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया था जो तुम ऐसे मेरे साथ कर रहे हो? तुमने कुछ भी तो नहीं किया, यही तो मसला है, समझ रहे हो? नहीं होता है यार कि तुम बिगड़ गई आधी में जाओ, तुम शादी करके आ जाओ। तुम्हारा क्या बिगाड़ है? शादी करके नहीं आया, दुल्हन भी लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम्हें मैंने क्या कहा है? तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, फिर ऐसे मजाक मत किया। नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा, नहीं है तुम, नहीं तुम आओ जाके देख लो, मिल लो उसको, ये मैं बुलाऊं उसको, मैं बुलाऊं उसको। प्लीज यार मत करो यार, प्लीज ये रो नहीं, मेरी शादी का दिन है आज मेरा, तुम रो रही हो। मैंने भी उसका घूंघट उठाना है रेशमा, मैंने भी उसको सलामी देनी है, मैंने भी उसको मुंह दिखाई देनी, मैंने मुंह तक नहीं दिखाई थी पूरी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चाय बनाओ जाके, चलो चाय बनाओ। हिम्मत करो कामिला, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे आंसू का तुम फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ,
तुमने क्यों रहना है, तुम इधर रहो, बहुत मुलाकात अंदर क्यों जा रहे हो? अब मैं इधर नहीं रहूंगी और अब मैं रोने भी नहीं वाली तुम्हारे लिए। जिस इंसान को मेरी कदर नहीं है, मुझे भी उसकी कोई फिक्र कोई कदर नहीं है। मेरे मुंह को मत टच करो, तमाशा अब लगेगा क्योंकि तुम दूसरी शादी करके तमाशा ऑलरेडी लगा चुके हो। क्यों ऐसा बोलूं? कौन सी तुम्हारी दूसरी मां रही है? नहीं है तो दुश्मन नहीं, मेरी लाश से गुजर के मेरा हार ना टूटे। मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। कौन है? कोई नहीं, सुमैया के सामने तौबा अस्तगफिर अल्लाह। सुमैया रुश्मा से मिलोगी? सुमैया Awesome, It was a prank. ऐसे कर सकता हूँ यार, क्या धक्के मारती रहती है ये बकरी, बाहुबली लगी है मुझ पे। Okay guys, रुश्मा को तो मैंने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं आई। मुझे फिर सुमैया की याद आ गई, फिर मैंने कहा मैं सुमैया से पास जाके बैठ जाता हूँ और आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सुमैया के लिए सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, नीचे कमेंट छोड़ कर जाओ। अल्लाह हाफिज़। सुमैया बोलो अल्लाह हाफिज़। बट नॉट ही